तो ये अनीशा के सर है, सर कह रहे हो बाइक चला के देखूंगा। ले जाओ सर, चला के लाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही नीचे ऊपर, पहला नीचे बाकी ऊपर। रेस दो सर एक बार। ले जाओ सर, चलो जा रहा हूँ मैं, डॉक्टर क्या बोलता हूँ। तो ये क्या आपके सर दिखाना है, मुन्ना को कपड़े पे क्या लगा हुआ उधर? ठीक है, क्या है अब उल्टा पहना हुआ आपने टॉप, पता नहीं लगता आपको? दो बार हो चुका है ऐसा आपके साथ, पता है? चलो मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलता है बताता हूँ। बोलो आ गया, चलो ठीक है। चलो तो ये वीडियो अपलोड हो रही है, एक बज गया है, लाइट गई हुई थी, नेट नहीं चल रहा था, अब लाइट आई है, अब देखो कितनी देर में अपलोड होगा ब्लॉग। एक मिनट सर, क्या हुआ सर, क्यों हंस रहे हो? किसने उल्टा पहना हुआ, किसने सीधा, कितनी पार्किंग? अब एकदम नजर पड़ गई ना, क्या करें। चलो बाइक कैसी लगी सर, पहले वो बताओ रिव्यू। ठीक, मजा आया सर? ये तो अच्छी बात है, वाइफ को देखते हैं, बात को तो नहीं देखते। मैं पार्क ही नजर किसी को भी देख सकती है, मेरा बेटा बहुत शरीफ है। पार्क पार्क नहीं नहीं, मैं पार्क ही नजर है ना, किसी को भी देख सकती है। मैं थोड़ा सा सर पे ध्यान दीजिए। अरे सर पूरा ध्यान है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। ओके सर, इसको नंबर लेके आओ, बढ़िया से पढ़ाई कराओ। थैंक यू सर, चलो मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो, बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। बस आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बस अभी किमन को राउंड दे रहा हूँ। गर्मी तो, टेम्परेचर जो दिखा रहा है ये आप देखो, 46 डिग्री दोपहर के 12:45, मतलब दोपहर तक 48 टच करेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, हालत बुरी है। तो मैं अभी बस निकल रहा हूँ, मुझे जाना है, मेरी 1:30 की अपॉइंटमेंट है BLK हॉस्पिटल में डॉक्टर से, जो कि लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, एक बार लीवर चेक करवा लूँ प्रॉपर, तो जाके देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। बाकी इससे पहले किमन को राउंड दे रहा हूँ, पर पता नहीं मैं 1:30 हॉस्पिटल पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 1:30 की, डॉक्टर 1:30 निकल जाएगा। तो देखो, दिखाता हूँ आपको जो भी होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, कैसे बोलता है, आपको भी अपडेट करूँगा। तो बस डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचने वाला हूँ, टाइम 5 मिनट रह गया डॉक्टर उठ ना जाए। तो पापा को भेजने के लिए मैंने रामचंद्र को बुला लिया, वो पापा को आगे ले जाएगा, तो मैं को टाइम लगेगा, ज़्यादा 1 घंटा लग ही जाएगा जहाँ तक लगता रश। तो डॉक्टर को दिखा के बस अभी जस्ट निकला ही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, 5 दिन दवाई खाओ, 5 दिन बाद एंडोस्कोपी एक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, करवा लेंगे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, एक बार पता लग जाएगा, कोई अगर चीज़ होगी भी तो पहले पता लग जाएगी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बोली वगैरह, खाना जो है वो घर का ही खाओ, बाहर का भी बिल्कुल छोड़ दो। तो बाहर का मैं बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करूँगा ही, तो बस अब ऑफिस जा रहा हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऑफिस से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बैठे बातें ही कर रहे हैं सारे। ये मनोज है, हमारे बोर्ड वोर्ड लगाता है, इनको आप जानते ही हो दोनों को, ये पापा बैठे हुए हैं जो कुछ बोलते नहीं है कभी। अच्छा, तो कुछ तो बोल के दिखा दो, मेरी बात सुन ना, देखो नौकरी करते हो कितने साल हो गए यहाँ पे? 30 साल हो गए। रामचंद्र को भी 10-15 साल हो गए, वो तो अभी नहीं आए हैं, उनको कुछ कह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ना, कुछ मतलब जो वीडियो देखते हैं, उन्होंने ये कमेंट मारा था कि आप अपने स्टाफ से बड़ी बदतमीजी से बात करते हो। फोन कह रहा है, किसने बोला था, वो पता नहीं फोन कर रहा है, हमारी आपस में चलती रहती है, बदतमीजी कौन कर रहा है। मैंने तो सबको यही बोला था कि हमारा स्टाफ नहीं है, ये हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे परिवार जैसी बात है हमारे आपस में। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो ये 30 साल से काम ना कर रहा होता, अब तक भाग चुका होता। ये हमारे पापा जी बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, वो तो बुरे ही है, बहुत अच्छे हैं। 30 साल ऐसे ही पिछले साल को गुजारते हैं, जिसने बोला उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, मैंने बदतमीजी क्या बोला मुझे खुद नहीं पता। भाई दोबारा बोलना, जिसने बदतमीजी बोला दोबारा से कमेंट करके बताओ हमारे को, जो भैया ने हमारे साथ क्या बदतमीजी करते हैं दोबारा बताना। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा स्टाफ है, पूरी फैमिली मेंबर है हमारे, ऐसी बात है। और मेरे ख्याल से तो 3 साल तो मनोज को भी हो गए काम करते हमारे साथ, तो भाई हो गए ना, तो सारे फैमिली है यहाँ पे, ऐसा कोई वो स्टाफ और वाला हिसाब किताब नहीं है, स्टाफ का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो पटेल नगरी गलियों में स्कूटर पे घूम रहा था, तो भाई साहब ने रुकवा लिया, भाई साहब मिले हैं, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। तो जी बहुत अच्छा लगता है जी, आपके वीडियो देखते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हो आप यहाँ पे, मैं सामने पढ़ते हैं,
बोर हो जाते तो आपको थोड़ा ब्लॉग लगाने के लिए सार्थक पटेल लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता। तो जब काफ़ी लोग मिलते हैं तो बाकी बहुत अच्छा लगता है, मैडम भी मिले हैं तो अच्छा लग रहा है आपको मिल के जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। नहीं नहीं फैन क्या, मैं तो कहता भी नहीं किसी को कि मेरे फैन है, मैं सबको तो फैमिली है हमारी है, क्योंकि आप लोग देखते हो रोज हमारे जुड़े हुए अटैच हो। तो नहीं सच में, इवन मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं आपकी पूरी वीडियोस देखते हैं। आप पटेलनगर ही होते हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सेपरेटिंग अ पॉजिटिव वाइब्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू द ग्रुप। तो बस अभी निकल रहा हूँ ऑफिस से घर के लिए। आज गोप्रो का मैंने हेलमेट ले लिया एक, ताकि प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग हो पाए, क्योंकि चश्मे लगा के जो कैमरा खड्डा आ रहा था तो उछल रहा था, तो शेक हो रहा था, प्रॉपर क्लियर आ नहीं रहा था। तो मैं कहेगा हेलमेट पहन के बना के देखते हैं कैसा आएगा, माइक भी उसमें प्रॉपर फिट हो जाएगा, आज चला के देखते हैं एक बार। और अभी घर जाके सोच रहा हूँ सिमरन को और बच्चों को भी राउंड दूंगा, एक अनिशा को दूंगा और सिमरन थोड़ा लंबा राउंड देके आऊँगा। किमरन पीछे बैठ नहीं सकती क्योंकि साइलेंसर बहुत गर्म है, उसको आगे बिठाऊंगा। और बाकी एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनके आगे कोई जानकार है, कोई दिव्या मल्होत्रा जी जो मेरे व्लॉग देखते हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो थैंक यू दिव्या जी, आप रोज डेली मेरे व्लॉग देखते हो, ऐसे ही प्यार हमेशा बना के रखना। सहमत आज हमारे घर में, सहमत आइए देखो पौष्टे खेलने, पौष्टे खेलने आए हो आप, कैसे खेलते हो, टच करो उसको पौष को, कहाँ है पौष, ओए बस थोड़ा सा टच करना था, खिलाओ कि माँ, आप तो बुआ हो सहमत की। और ये किमरन जो है ना, ये सहमत की बुआ है, अब आपकी बुआ है ना, किमरन बुआ भी छोटी सी, आप भी छोटे से हो। हाँ किरत उसका खेला आपने, सहमत सहमत ओ सहमत खेला आपने, वो देख दीदी कैसे कर रही है। हाँ भाई कब चलना राइड पे फिर? चलो कल चलेंगे, कल चलेंगे पक्का चलेंगे, संडे सुबह चलें, छोटल छोटल पक्का। एक बात और, कल मेरे को कम से कम 350 लोगों ने मैसेज किए हैं जो मेरे को बधाई दी है कॉन्ग्रेचुलेशन की बाइक की, तो मैं सबका थैंक यू बोलता हूँ अपने दिल की गहराइयों से। एक एक बंदे को तो बस रिप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसी वीडियो में मैं सबको थैंक्स बोल रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे को बधाई दी। सब बोल रहे हो आप, मैं ये कह रही थी कि मतलब ना बहुत अच्छा लगता है, चलो फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स हो गए, चलो वो तो पार्ट मतलब मिलते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या बात करते हैं, बट सीरियसली जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है सबके मैसेजेस पढ़ के, कईयों ने एडवाइस करी है, कईयों ने सजेशंस दिया, मतलब देखो लोगों का क्या जा रहा है, देखा जाए तो सिर्फ ब्लॉग देख के बंद कर सकते हैं, बट वो मतलब एफर्ट्स ले रहे हैं हमें मैसेज करने के लिए, कईयों ने देखो पॉजिटिव भी लिखा है, आपके लिए नेगेटिव, नेगेटिव इन अ सेंस कि स्पीड का ध्यान रखो, भाभी की सुनो, वट एवर, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि देखो ब्लॉग देख भी रहे हैं तो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, ब्लॉग देखे उनका क्या जा रहा है, ना मैसेज करें, हम फोर्स थोड़ा कर रहे हैं, हम उनको कुछ थोड़ा दे रहे हैं, बट मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, लाइक सारे सब्सक्राइबर्स का लिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट्स मोर देन अ फैमिली। अपने सजेशंस आप लोग आपके सजेशंस को जरूर फॉलो करेंगे, तो आप फॉलो करो ना, उन्होंने आपको बोला स्पीड से कम चलाओ, और काफी लोगों ने बोला हम भाभी के साथ है, तो भाभी के साथ है तो 3 मंथ्स के बाद भेजो बाइक को वापस, तो बेच के दूसरे अपग्रेड करेंगे, ये बात हुई थी, ये नहीं बोला था बेचेंगे, ये नहीं हुई थी बात, यही हुई थी अपग्रेड करेंगे, हां मैं बोला था सारा कलेश हो जाए। तो हेलमेट पहना था, हेलमेट मेरे सिर पे पूरा नहीं आया, तो आज ये नया जुगाड़ करके देखा, ये देखेंगे इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, आज चला के इस पर देखूंगा बाइक एक बार, क्योंकि अब घर का ही खाना, आप देखो पनीर को लेके पनीर काट के अपने पनीर छोटे करके खाऊंगा, तो ये भी लगी आज मैं किचन में सुन रहा सेटिंग और हेल्थ का होगी मेरी आपको जो, और ये देखो जितने महंगे से महंगा फ़ोन ले लो, यहाँ पे आके खराब होना ही होना है, क्या हालत होती है फोन की आपको पता है, हाँ खाना खाने के पहले हैंड वॉश करने पड़ते हैं ना, दर्द होती है ना, इन्फेक्शन हो जाता है ना, हाँ वेरी गुड, तो इसे कहते हैं बोर्ड्स की तैयारी करना, देखो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं आजकल है ना, मज़ा आ जाएगा, 5 दिन बाद पेपर है यार। क्या यार चल पढ़ाई कर, अच्छे से रूम बंद करके अपना आराम से पढ़ाई करने में लगी है, किमा खाना जल्दी खाओ भी, घूमने चलना है अभी कहीं पे, खाना जल्दी खाओ भी, घूमने चलेंगे, हाँ हाँ घूमने बोला है आज, जब छोटे थे तो घूमा बोलता था ना मैं आपको, चलो हाँ पता ना आपको, कुछ जल्दी खाना खाओ, ये 2-2 ग्लास के लिए हुए आपने, ग्लास 2-2 ग्लास के लिए हुए हैं, अच्छा तो एक में पूरा भर लो, नहीं चलो खाना जल्दी खाओ फिर, तो डाइटिंग अब फुल चालू है,
आज से अपना खाना यही है बस। बोला आज से क्या, 3 दिन हो गए मेरे को डाइट फॉलो करते हुए। शाम को मैं रात को रोटी नहीं खाता, बस कभी सैलेड खा लिया, कभी पनीर खा लिया, कभी दाल खा ली, बस यही कर रहा हूँ मैं। रोटी खाई नहीं रहा बिल्कुल भी। तो देखो कितना टाइम में फर्क पड़ता है। आई थिंक लग जाएंगे 2-3 महीने वेट कम करने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया। अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में फिर लेट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं। ये देखो कल गालियाँ निकाल रही थी कि बाइक ले आया है, आज देखो खुद चलाने के मूड में है। और हड्डी उड्डी टूटाएंगी फालतू में, और आए तो हड्डी उड्डी टूट जाएगी फालतू में, कोई किमन जाएगी नहीं। तू ब्लॉग बना रही है? किसका ब्लॉग बना रही है? अच्छा चलो पापा बाय। बाइक बाइक दादी को आती बाइक चलानी? नहीं नहीं आती ना। और किमरन क्या बोल रही है कि दादी टांगे होंगे तो डालोगे, फालतू में मत बैठो, ऐसे बोल रही थी ना कि वहाँ गिर जाएगी ना फालतू में। बाइक गिर गई, अभी टांगों टूट जाएगी, फायदा नहीं है कोई। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30। मैं अपनी बीवी को लेके निकला हूँ डेट के लिए। आ रहे शादी के, शादी के 22 साल बाद। हाँ ये है कि सिमरन आज खुश हो रहे हो क्या, कहने जाने का मौका मिल रहा है मेरे साथ? ओ, मैं ऐसी कोई खुश नहीं, मेरा क्योंकि आज सिमरन ने पता नहीं कैसे मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। मैं कोई खुश नहीं, मेरा पूरा दिमाग बच्चों में ही होगा। अच्छा आप ही खुश हो? मैं खुश नहीं और आप खुश हो रहे हो? देख लो आज अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे चलते, गुरुद्वारे मत्था टेक के आते हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं भी गुरुद्वारे गया नहीं। तो अब गुरुद्वारे जा रहे हैं, देखते हैं वापसी में कहीं एक्सीम वक्सीम खा के आएंगे तो आएंगे। बाकी आपको पता ही है राइड पे तो आ गए, बाहर का खाना छोड़ ही दिया सारा। आइसक्रीम भी डाइट में इंक्लूडेड होती है? अरे वो खाएंगे ना शुगर फ्री वाली। ना ना मीठा मीठा। चलो देखते हैं जो भी देखेंगे, या कोई ड्रिंक मिल जाए ना पीने को अच्छा सा कोई, उसमें भी एडेड शुगर होती है। अरे मतलब नारियल पानी मिल जाए, रात को नारियल पानी कोई नहीं, वो तो हेल्थ भी देना है। कुछ नहीं, चाय कॉफी पी सकते हैं। चाय कॉफी पी लेते चलो, स्टार्ट करते हैं। अनीशा भी छोड़ेगी, अनीशा पिट पिट मरेगी उसको ना। एक काम करते हैं ब्लॉग में देख के सब्सक्राइब दिखेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। गुरुद्वारे से निकला था, कुछ मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन भैया के पास आया था। भैया कह रहे हैं भैया तो ब्लॉग बनाते हैं, तो भैया तो देखते रहते हो आप। चलो तो अच्छी बात है, थैंक यू यार, इतना देखते हो आप, इतनी सपोर्ट करते हो, और ठीक है सब बढ़िया। देखो कितना रिस्की काम हो रहा है, मतलब साइड में ट्रक चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, फिर भी इनको कोई इतनी जिंदगी से परवाह नहीं है। देख लो कितना रिस्क वाला काम है। तो आज बीवी के साथ 2-3 घंटे की ड्राइव थी, अकेले में बढ़िया रही, गुरुद्वारे गए, दर्शन किए, घूम फिर के आ गए, है ना। मजा तो आया, एंजॉय किया आपने? आपने एंजॉय किया आपके फोन के साथ? मैंने फोन में गाड़ी चलाऊंगा, फोन यूज करूंगा? हाँ बोलो, एक हाथ में फोन एक हाथ में ड्राइविंग, है ना। यही चलता है। मैं गुरुद्वारे जाके बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत मजा आता है। कुछ बोल लो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कल यही बोलना, क्या बोलूं? क्या बोलूं? चलो ठीक है, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बाकी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तो अभी के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। अगर आपको संजीव वाली वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, प्लीज बेल आइकन को प्लीज कमेंट करना।